हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ राजवंत सिंह मौली। आज का टॉपिक प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली की तरफ। मैंने ये चीज़ नोट की है, जो किसी को जानेगा वही मौजा मानेगा। मतलब जो किसी को जान लेता है उसी का वो उससे फायदा ले सकता है। मैं ये प्रॉपर्टी कारोबार में ये लाइन बोलना चाहता हूँ, जिस आदमी ने प्रॉपर्टी की इम्पोर्टेंस समझ ली, वो बंदे ने अपने आप को बिल्कुल फाइनेंशियली फ्री कर ली। एक एग्जांपल, हमारे मरहूम प्रॉपर्टी डीलर भल्ला साहब, अशोक भल्ला जी, वो 1967 से प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। उनके फादर करते थे पहले, अब फिर बाद में वो करे, अब उनका बेटा कर रहा है। भल्ला साहब की डेथ हो गई है, तो वो 1967 से उस फैमिली ने काम शुरू किया, और काम शुरू करके बाद में जैसे जब जब मतलब उनके पास पैसा आता गया, तो उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी बनाते गए। उनको पता लग गया कि प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी बनाने से कैसे खुशहाली लाई जा सकती है। उन्होंने कुछ प्लॉट 5-5, 10-10 हज़ार के लिए, और उसके बाद प्लॉट बेचे नहीं, और बेचने के बाद आज तक जो प्रॉपर्टी में जितनी तेज़ी आई, कई प्लॉटों के 100 गुना रेट बढ़ा, कईयों का 100 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया, कईयों का उससे भी ज़्यादा बढ़ गया, उस प्रॉपर्टी का उन्होंने फ़ायदा उठाया। दूसरा, मैं अपने रिश्तेदार गुरमेल सिंह की बात करता हूँ, ऑफिसर लगे हुए थे पुराने, तो उनके पास जैसे जैसे पैसा आता था वो पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे। थोड़ा थोड़ा पैसा, जैसे भी छोटी छोटी प्रॉपर्टी ली उन्होंने, छोटी छोटी प्रॉपर्टी लेके फिर किसी को बेच दिया, फिर आगे ले गए, वो करते करते मतलब फाइनेंशियली फ्री हो गए, और उनके पास किसी भी जो डिपार्टमेंट के बंदों से ज़्यादा फाइनेंशियली मतलब ग्रोथ है, और उनके पास खुशहाली है। सिर्फ सोचने की बात यह है कि किसी बंदे ने फैसला ले लिया, किसी बंदे ने फैसला नहीं लिया। जो बंदे फैसला नहीं लेते वो बंदे परेशान होते हैं, और जो बंदे फैसला ले लेते हैं वो अपनी ज़िंदगी में आसान रहते हैं। फिल्मी कलाकार जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज ना होने की वजह से प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, वो बहुत पीछे रह गए। कईयों ने अपनी ज़िंदगी में जब बुढ़ापा आया, उसमें उनका इलाज भी नहीं हो पाया, क्योंकि जितना पैसा आया उतना ही उड़ाते चले गए, और उनके पास जो पैसे की कमी आती चली गई। जैसे जैसे बुढ़ापा आता रहा तो उनकी इनकम कम होती चली गई, लेकिन खर्चे कम नहीं हुए। तो वो बंदों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये मत समझना कि उनके पास, दो बंदे जो बताए थे, भल्ला साहब और गुरमेल सिंह बताया, कि उनके पास पैसा था तो उन्होंने पैसा यूज़ किया। नहीं, पैसे वाले बंदे भी पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है। और उसके बाद जब मैं फिल्मी उसकी बात कर रहा हूँ, वो अपने खिलाड़ियों की बात करता हूँ, बहुत ज़िंदगी में पैसा आता है उनके पास, लेकिन कई बंदे बहुत आगे निकल जाते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब एस्टेब्लिश कर लेते हैं, और कई बंदे नहीं कर पाते। दारा सिंह जी की ले लो एग्जांपल, यहाँ मोहाली में उनका एक ही प्रॉपर्टी पता नहीं कितने करोड़ों की है, उन्होंने कितने हज़ारों में ली होगी या गवर्नमेंट ने अलॉट की होगी, जो भी है। और अभी प्रॉपर्टी का तो रेट बड़ा ही बड़ा है, और उसमें जो सोशल फंक्शन होते हैं, किसी की शादी हो रही है, किसी का कुछ और हो रहा है, कोई दूसरा फंक्शन है, वो सारे का सारे उनको पैसे भी मिलते हैं। मतलब वो अपने औलाद के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके कि उनको भूखा मरने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों के मुकाबले जो दूसरे बंदों ने करोड़ों रुपए कमाए, जिनमें मैं AK हंगल साहब का नाम ले सकता हूँ, प्रवीण बॉबी का नाम ले सकता हूँ, और भी कई इस तरीके की हस्तियाँ, और इससे बिना जो सपोर्ट्स जो मतलब पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें भी ऐसी हस्तियाँ हैं जिन्होंने पैसा बहुत कमाया, जवानी में पैसा कमाया, लेकिन उसको संभाल के इन्वेस्ट नहीं कर पाए। पैसा आना और चीज़ है, पैसे को काबू करना और चीज़ है। जो मैं M3 का फार्मूला बोलता हूँ, M3 मनी मेकिंग तो होगी, जो एक्टर है उसके पास मनी मेकिंग तो होगी, लेकिन आगे मनी मैनेजिंग
आगे उसके बाद मनी मल्टीप्लाइंग M3 का फार्मूला है, ये लोगों को नहीं पता होता, इसलिए ये फार्मूले को आपने याद रखना है। यदि आपके पास ये फार्मूला होगा, M3 का फार्मूला होगा, तो डेफिनेटली आप जिंदगी में कभी भी आपको नमोशी नहीं झेलनी पड़ेगी। बहुत एग्जाम्पल ऐसी हैं, और भी एग्जाम्पल हो सकती हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने अपनी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में भी दी है, नॉट मैड सो बैड मेरी जो दूसरी किताब है मोटिवेशन उसमें भी दी है, प्रॉपर्टी गुरु में भी दी है, और अगली जो है रियल स्टेट DNA उसमें भी मैं ऐसी बातें देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप में से जो बंदे मेरी किताब पढ़ते हैं, जो मेरा वीडियो देखते हैं, वो बंदे इस तरह की गलती ना करें जो AK हंगल साहब ने की है, या हमारे सतीश कौल जी थे जो अब तो डेथ हो गई, उनकी पंजाबी फिल्मों में 300 फिल्मों में काम किया, और उनका जो बुढ़ापा था वो हॉस्पिटल में लावारिस की तरह बीता उनका, मतलब उनको कोई बंदे इलाज कराने वाले भी उनके फैन थे, वो अपने अपने पैसे से इलाज भी नहीं करा पाए। तो हमने ऐसे नहीं बनना, पैसे को संभालना है। प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी कारोबार की मैं बात करी है, प्रॉपर्टी कारोबार को समझना, जानना, पहली बात तो जानना है इनको, जानना है इसको, जो जानेगा वही मौजे मानेगा। प्रॉपर्टी कारोबार को समझ लो, इसको जान लो, और फिर इसके ऊपर जो इसमें से आपको मिल रहा है उसको मान लो। तो ये आज का टॉपिक था दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक मैंने समझा, क्योंकि मैं कई दिन से ये चीज़ें नोट कर रहा था कि कोई बंदा किस तरीके से, कोई नीचे रह गया, कोई बंदा बहुत ऊपर चला गया, उसमें क्या क्या कर रहे होंगे। हमारे प्रॉपर्टी लाइन में भी जो बंदे करोड़ों रुपए लेके आए थे वो जीरो होके चले गए, और जो जीरो होके आए थे वो करोड़ों अरबों में आ गए। उन्होंने पैसे को पहले मेक किया, मनी मेकिंग की, फिर मनी मैनेजिंग की, फिर मनी मल्टीप्लाइंग की। जिन्होंने नहीं किया, जिनके पास पैसा था पहले, तो वो पैसे का खराब करने के ऊपर लग गए। जब यदि आपके पास पैसा इस तरीके से आ जाता है तो आप पैसे को संभाल नहीं पाते। इसीलिए कहा जाता है कि मनी इज़ ए रेस्टिव हॉर्स, मनी एक जिद्दी घोड़ा है, पैसा एक जिद्दी घोड़ा है, और अड़ियल भी है, ताकतवर भी है, जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, घोड़ा चलाना आना चाहिए, बाइक चलानी आनी चाहिए, और मतलब कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, इसी तरीके से आपको मनी हैंडलिंग भी आनी चाहिए। यदि आप मनी हैंडलिंग प्रॉपर कर लोगे तो डेफिनेटली आपका आपको ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं होगी। पैसा कमाना बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, लेकिन पैसे को संभालना उससे भी बड़ी बात है। यदि जो बंदा अपने पैसे को संभाल लेता है, यह कहा जाता है कि यहाँ पर पंजाब में भादों महीना होता है ना, बहुत गर्मी होती है, भी पैसे की गर्मी भादों के महीने से भी ज़्यादा गर्मी होती है। यदि वो गर्मी आप महसूस कर जाओगे, उसका फ़ायदा लेना चाहो तो फ़ायदा ले सकते हो, यदि वो गर्मी आपसे नहीं झेल हुई तो आपका नुकसान होना तय है। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो, और यदि कोई सवाल हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यदि ये वीडियो अच्छी लगी, एप्रिसिएशन भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। बहुत जल्द आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सीखते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। पढ़ेंगे हम तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।